ये 1 कप छिलके वाली उड़द की दाल है, इसको हमने भिगो दिया था 7-8 घंटे के लिए। उसके बाद हमने भीगी हुई दाल को अच्छे से साफ कर ये हमने मिक्सी में इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। इस भीगी हुई उड़द की दाल को हम 1-2 चम्मच लगभग हम इसको निकाल लेंगे और इसमें हम पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। इसको अभी हम साइड में रख देंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब हम इस दाल में कुछ मसाले मिलाते हैं, ये नमक, जीरा, हींग। अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। अब हमने गैस ऑन कर दिया, कढ़ाई चढ़ा दिया। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे, हींग, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। अब ये मसाले को भून जाने के बाद ये जो हमने दाल वाला पानी ये तैयार किया था घोलकर, ये हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर। अब इस ग्रेवी को हम पहले उबाल लेंगे। उबालते में हमने ये जो दाल का पेस्ट बनाकर रखा है, उबलते हुए ग्रेवी में हम इसकी पकौड़ियाँ डालते जाएंगे। ये देखिए ग्रेवी उबलने लगी है, अब हम इसमें दाल की पकौड़ियाँ डालते जाएंगे। इस तरह से छोटी छोटी हम पकौड़ियाँ डालने के बाद इसको 5-7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे उबाल लें। देखिए ग्रेवी ये थिक हो गई है और ये पकौड़ियाँ भी हमारी इसी उबलते हुए ग्रेवी में ये पककर तैयार हो गई। ये देखिए आप देख सकते हैं। अब हम इसमें आमचूर पाउडर मिलाएंगे। ये सब्जी बनकर तैयार हो गई। अब हम इसमें हरा धनिया मिला देंगे। अब इसे रोटी, पराठा, चावल के साथ खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है ये सब्जी।